महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर के तमाम रेलवे स्टेशनों की समीक्षा की गई। इसमें सबसे बेहतरीन और साफ सुथरा रेलवे स्टेशन में मध्य भारत में नंबर वन पर कटनी रेलवे स्टेशन ने बाजी मारी। आदेश में भले ही 34 नंबर पर कटनी रेलवे जंक्शन का नाम दर्ज किया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में नंबर वन का खिताब कटनी जंक्शन को मिला है। जाहिर तौर पर कटनी रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले तमाम सफाई कर्मी से लेकर और वहां के प्रबंधन की यह खूबी है कि जिसके चलते स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन का खिताब हासिल किया है। कटनी के अलावा बाहर से आने वाले मुसाफिर भी मानते हैं कि यह स्टेशन वाकई मध्य प्रदेश के सारे स्टेशन से अलग है। कटनी जंक्शन स्टेशन प्रबंधक भी मानते हैं इस खिताब को पाने के लिए सबसे ज्यादा सफाई कर्मियों ने मेहनत की है और साथ ही इनसे जुड़े तमाम कर्मचारियों ने भी स्टेशन को साफ सुथरा सुंदर बनाने में मेहनत की है। यहाँ के सफाई कर्मी सुपरवाइजर भी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल गांधी जयंती के अवसर पर रेल मंत्री जी ने रेल मंत्रालय की ओर से पूरे भारतवर्ष में जो स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया था सभी स्टेशनों का, उसकी वार्षिक रैंकिंग लिस्ट जारी की। उस रैंकिंग सूची के अनुसार कटनी स्टेशन का पूरे भारतवर्ष के स्टेशनों में 34वां स्थान लगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि कटनी स्टेशन का पूरे पश्चिम मध्य रेल जोन में, जिसके अंतर्गत जबलपुर, कोटा, भोपाल मंडल आते हैं, तीनों में प्रथम स्थान रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्टेशनों में प्रथम स्थान रहा। ये काफ़ी हर्ष का विषय है, हम लोगों की प्रसन्नता का विषय है और यहाँ पे सभी पूरे कर्मचारी, स्टेशन स्टाफ और यहाँ के स्थानीय लोग सभी इससे उत्साहित हैं। इसका मूल मंत्र क्या था जो कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर आया है? ये लगातार हमारे कर्मचारी द्वारा किया गया सतत कार्य रहा और जो उनकी इसका मापदंड का तरीका था, उस तरीके को फॉलो करके हमने उस हिसाब से जहाँ जहाँ हमारी पिछले साल कमियाँ हुई थी उनको बेहतर करने का प्रयास किया। ये अच्छा रहा कि हम लोग उसमें सफल रहे और रैंकिंग प्राप्त। इसमें श्रेय किसका जाता है? इसमें सबसे पहला श्रेय तो सीधे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो 85 सफाई कर्मचारी यहाँ पे स्टेशन पे दिन रात काम कर रहे हैं, सबसे पहला श्रेय तो उन्हीं का है। उसके बाद उनके जो सुपरवाइजर तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद में जो हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर यहाँ पे कटनी में कार्य कर रहे हैं, वो इस सारे कार्य को मॉनिटर करते हैं, उनका श्रेय है। और आखिर में इंचार्ज के तौर पर आप हमारे दबंग न्यूज़ के लिए कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।